आइए आज हम आपको हापुड़ के एक ऐसे शिक्षाविद के आवास पर लिए चलते हैं जिसने अपने घर के लॉन में अनेक देसी व विदेशी प्रजातियों के फूल उगाए हुए हैं। यदि मैं इसे हापुड़ का मुगल गार्डन कह दूं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह गार्डन लोगों के दर्शन के लिए खोल दिया गया है। इस शिक्षाविद का नाम है श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, जिन्हें लोग गुलाब प्रेमी कहकर आदर और सम्मान प्रदान करते हैं। शिक्षाविद भले ही वृद्ध अवस्था के दौर से गुजर रहे हों, परंतु उनके बेटे अनिल अग्रवाल, पुत्र वधु व पौत्र उनके इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। शिक्षाविद के पुत्र श्री अनिल अग्रवाल गार्डन के बारे में बताते हैं। हमारे इस गार्डन में ये सीजनल्स जितना भी फ्लावर लगा हुआ है, ये हाइब्रिड फ्लावर्स लगे हुए हैं, और इसमें हमने ये हम कोशिश ये करते हैं कि जो रेयर चीज़ें हैं, जो खूबसूरत चीज़ें हैं, वो हम यहाँ उगाएं। ये देखिए, अब लिलियम्स हैं, पहाड़ पर उगते हैं ये, या उसमें आपके पॉली हाउसेज में उगते हैं, लेकिन हमने इनको यहाँ उगाया है। हमारे पास इसकी 12 वैरायटीज़ हैं। इसमें 10 ऑर्नामेंटल हैं और 2 सादा वैरायटीज़ हैं। ये नीचे साल्वियाज़ हैं, ये थोड़ा शेड में लगते हैं, तो इसको हमने यहाँ शेड में लगाया है। उसके बाद ये फिर नीचे पिटूनिया लगा हुआ है। इसमें पिटूनिया में भी हमारे पास 20 से ज़्यादा वैरायटीज़ हैं। ये स्टार वैरायटी है जो आप देख रहे हैं। इसके अंदर ये आप देखिए, एक ही पौधे के ऊपर ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे एक ही पौधे पे जितने फूल होंगे वो सब उनके डिज़ाइन और उनके कलर्स, ये देखिए आप, एक ही पौधे पे ये ब्लू और ये कलर्स आ रहे हैं। इसमें आप पौधे में देखेंगे तो ये देखिए आप, इसका वेरिएशन, इसकी लाइनिंग्स, इसका डिज़ाइन सब आपको अलग अलग मिलेगा। और ये फिर पिटूनिया के डिफरेंट कलर्स लगे हुए हैं। कोशिश हम ये करते हैं कि ये हमारा गार्डन खूबसूरत से खूबसूरत बने। आगे ये पेंजी लगी हुई है, ये बिल्कुल तितलियों की तरकीब से लगते हैं, और ये भी सब हाइब्रिड है। और आप इसके अंदर देखिए कि कितने कितने कलर्स हैं। ये आगे डॉग फ्लावर्स हैं, ये डॉर्फ वैरायटी है डॉग फ्लावर्स की। हापुड़ के इस मिनी गार्डन को देखने के लिए आए वे लोगों के जानते हैं कुछ विचार। आज हापुड़ के इस मुगल गार्डन में अनेक प्रजातियों के फूलों को देखकर मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है, और ऐसा लगता है कि अग्रवाल परिवार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन और प्रदेश मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के ग्रीन यूपी और क्लीन यूपी मिशन को साकार करने में जुटा हुआ है। हापुड़ ज़िले के इस मिनी मुगल गार्डन में आकर हमने तो फूलों की सुंदरता खूब आनंद लिया है, और तरह तरह के पेड़ पौधों को देख करके आनंदित हो रहा मन पूरा। हमने तो फूलों को कैमरे में कैद किया है। शिक्षाविद के आवास पर ही अनेक प्रजातियों के फूल तो उगाए ही जाते हैं, साथ ही उनके फार्म पर भी 250 से अधिक गुलाब के फूल उगाए जा रहे हैं। यहाँ से नगर के प्रमुख मंदिरों पर गुलाब के फूल पूजन के लिए जाते हैं।